हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और चलिए दोस्तों, अब लेते हैं, देखिए लौकी का सब्जी बनाएंगे। लौकी को छील लेते हैं। देखिए दोस्तों, छील लिए हैं और उसके बाद इसको काट लेंगे, इसको अच्छे से धो लेंगे। लिए हैं दोस्तों ताकि बाद काटने के बाद अब इसको नहीं धोएंगे, इसका पौष्टिक है नहीं तो सब चला जाता है पानी में। देखिए दोस्तों, ऐसे बारीक बारीक इसको काट ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे इस तरह काट ले रहे हैं और लौकी चना दाल बनाएंगे दोस्तों नाश्ता में। सुबह का नाश्ता में लौकी चना दाल और रोटी, और उसके साथ रोटी। और ये दोपहर को भी हो जाएगा दोस्तों, एक ही साथ बना ले रहे हैं सब्जी, क्योंकि ये चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये दाल। मेरे को सब कोई पसंद करते हैं, मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता दोस्तों। हम लोग के लिए बना देते हैं मम्मी। देखिए दोस्तों, काट लिए हैं लौकी और ये चना दाल है दोस्तों, धो के रख लिए हैं। देखिए चना दाल धो के रख लिए हैं, अब उसको डाल देंगे लौकी को। अब देखिए पानी डाल दे रहे दोस्तों, इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे, ठंडे लगेगा, थोड़ा सा डाल के और इसमें उबालने के लिए इसको रख देंगे। देखिए अब इसको ना उबालने के लिए गैस में चढ़ा दी हूँ, एक गलेगा, इसको चार सीटी लगा देंगे दोस्तों। रखेंगे एक सीटी होगा तो धीमा कर देंगे। देखिए अब इसको चढ़ा दिए, अब उसके लिए मसाला पीस लेती हूँ दोस्तों। मसाला में लिए हूँ, हम लोग कैसी बनाते हैं दोस्तों, मसाला में लिए हैं अदरक लहसुन, अदरक लिए है 1 इंच, लहसुन और एक दालचीनी लिए है दोस्तों, मीठा लकड़ी, इलायची और काली मिर्च सबको डाल देंगे, पीस लेंगे पानी डाल के। अब देखिए दोस्तों, टमाटर काट ले रहे हैं, बारीक बारीक काट लेंगे मसाला में डालने के लिए। देखिए दोस्तों, अब दाल बघार रहे हैं, डाल दे रहे हैं जीरा, दाल बघारने के लिए वो कर रहे हैं चना दाल और लौकी के लिए। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला का पेस्ट नहीं पहले से डाल दीजिए। मसाला भुजा लिया है, अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल देंगे, टमाटर इसको थोड़ा सा चलाएंगे और धनिया पाउडर भी डालेंगे। धनिया भी? मेरे को तो गलत साबित कर दिए, टमाटर पकड़ के धनिया डाल दिए। हाँ, धनिया नहीं डाली थी, तैयार। धनिया पाउडर, अच्छा तो मसाला भुजा गया है, अब उसके बाद टमाटर, डाल देंगे। हाँ, चलो बना के खाना। हाँ चलो, आपको खिलाऊंगा ठीक, पका के फिर। हाँ। फिर नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाता है, टमाटर डालने के बाद नमक डालना पड़ता है। अब इसको भी अच्छे से भून लेंगे, ऐसे उसका भून जा गया है अच्छे से, धीमे धीमे ऐसे भूने ना, टमाटर पूरा गल गया और दाल भी हो गया था, गैस बंद कर दिए थे। गला है कि नहीं देखती तो नीचे में दाल जो है तो लाल है, गल गया एकदम अच्छा से ना, देख गल गया बहुत गर्म है दोस्तों।
मेरा बेटा बोलता है हम गरम गरम छू लेते हो, आपके हाथ में जादू है क्या, आपको हम लोग को तो बहुत जलता है। तो मुझे नहीं नहीं जलता क्योंकि मैं गरम गरम छू चुके हैबिट हो जाता है उसको तो नहीं जलता है। अब इसी में पानी ले लेंगे। हम लोग का तो अभी तक जल जाता पूरा हाथ। इसी में पानी ले लेंगे, इसमें बहुत सारे चीज लगे रहता है दोस्तों। तो इसी में देखिए धो दिए, साफ हो गए पूरा। अरे बन गया दोस्तों बिल्कुल, और बस इसमें उबाल आ जाएगा तो ये बन जाएगा। अच्छे से दबका लेंगे, बस ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये इसमें उबाल आ गया है, दबक रहा है, सब चीज गला हुआ है दोस्तों, तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। लौकी भी पका हुआ है और उसमें डाल देंगे धनिया पत्ती। कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। ये भी लोग बहुत शौक से खाता है दोस्तों। चलो मम्मी जल्दी जल्दी रोटी बनाओ फिर खाएंगे। बनूंगी अब रोटी बना देंगे। बन गया है दोस्तों, अब गैस बंद कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों अब मेरे बेटे लोग नाश्ता कर रहे हैं दोनों बेटा, और एक जन खा रहा है, एक जन खा रहा है चना दाल लौकी के साथ बनाई जो दोस्तों जो सब्जी खरा पराठा, वो अपना फरमाइश कर करके बना लिया। और मेरा बड़ा बेटा खा रहा रोटी, ये तेला ज्यादा पसंद नहीं करता दोस्तों, ये खा रहा रोटी और खा रहा पराठा। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी बना है बोल रहा है, खाए जा रहा है। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा। तुमको कैसे लग रहा है चना दाल? बहुत दिन बाद बनाई हूँ, फरमाइश कर करके बनवाया है। अच्छा, देखो मेरी बेटी नाश्ता लेके जा रही है दोस्तों, चले गई अपने रूम में। और उसको कैमरा से बहुत दूर रहती दोस्तों, और उसको ऐसे भी पढ़ते रहते, उसको टाइम नहीं मिलता है, और उसको लगता है जो मम्मी क्या क्या करते रहते हो आप ऐसे करके, आप अपना मतलब ब्लॉग व्लॉग चालू कर लियो, मम्मी मत करो ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। और फिर भी मैं करती हूँ दोस्तों, मेरा टाइम पास हो जाता है। भागी जैसे देखी। और चलिए दोस्तों मैं भी नाश्ता करूंगी, आज के ब्लॉग यहीं खत्म कर रहे दोस्तों, फिर कल मिलेंगे।